इस लेक्चर का टॉपिक ये है कि अगर आपसे कहा जाए कि एक वेक्टर डायग्राम बनाएं जिसमें कि सेकेंडरी वाइंडिंग लैग करती हो डेल्टा वाइंडिंग से बाई 330 डिग्रीज, अज्यूमिंग रोटेशन वही एंटी क्लॉकवाइज, क्या बनाना है कि सेकेंडरी जो वोल्टेज है वो लैग कर रहा है प्राइमरी वोल्टेज से बाई 330 डिग्री। तो अब देखें क्या हुआ कि अगर मैं आपको ये डायग्राम दिखा रहा हूँ, ये किसकी डायग्राम है, ये DY11 की है, हमने एक और लेक्चर में ड्रॉ की थी, DY11 की डायग्राम है। DY11 क्यों कह रहे हैं कि हम डी कैप प्राइमरी है और वाई जो है स्मॉल वो सेकेंडरी है, वाई स्मॉल जो है वो सेकेंडरी है, इसको छोटा सा लिखना चाहिए मुझे थोड़ा, तो ये वाई जो है स्मॉल सेकेंडरी है, तो ये DY11 का मतलब ये है कि डी जो है वो अगर 12 पे है तो वाई जो है सेकेंडरी वाइंडिंग वो 11 पर है। तो इसको जब हम एंटी क्लॉक वाइज शो करते हैं तो हम ये कहते हैं कि प्राइमरी वाइंडिंग इज लैगिंग बाई 30 डिग्री विद रेफरेंस टू सेकेंडरी, या हम ये भी कह सकते हैं कि सेकेंडरी वाइंडिंग इज लीडिंग द प्राइमरी वाइंडिंग बाई 30 डिग्री। लेकिन जो एक स्टैंडर्ड कन्वेंशन है वो ये है कि एंटी क्लॉक वाइज लें और प्राइमरी का जो वोल्टेज है उसको डिफाइन करें। तो मैं एक एंटी क्लॉक वाइज है और प्राइमरी को मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि ये लीड कर रहा है, लैग कर रहा है सेकेंडरी वाइंडिंग से बाई 30 डिग्री। अगर इसी को आप गौर से देखें और इस क्लॉक वाइज को आगे बढ़ाते जाएं, ये क्लॉक वाइज में बढ़ाता जा रहा हूँ आगे, ये बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए, यहाँ ऐसे करके ये आगे, तो ये क्लॉक वाइज अगर चल रहा है तो इस एंगल को अगर देखें तो ये एंगल कितना है, ये एंगल है 330 डिग्री। इसका मतलब है कि अगर कोई आपसे कहे कि एक डायग्राम बनाए जिसमें सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज प्राइमरी से 330 डिग्री लैगिंग हो, तो यही डायग्राम बनेगा जो DY11 का है, क्योंकि जब ये 30 डिग्री प्राइमरी से यहाँ लीड कर रही है, तो जब इसके ऐसे करके आप पूरा एंगल इधर से नापेंगे तो इसके रेफरेंस से हम ये कह सकते हैं कि 330 डिग्री ये जो है लीड कर रहा है, ये लैग कर रहा है, 330 डिग्री लैग कर रहा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को या कुछ कन्फ्यूजन है? ये 30 डिग्री यहाँ से है सेकेंडरी वाइंडिंग, इससे आगे 30 डिग्री है, और अगर यहाँ से लें तो इससे इससे पीछे है कितना, 330 डिग्री। लीड कितना कर रहा है प्राइमरी से सेकेंडरी, 30 डिग्री। लैग कितना कर रहा है इधर से उल्टा कर ले, 330 डिग्री। तो कन्फ्यूजन के लिए इस तरह कभी कभी 330 डिग्री की कोई बात कर देगा तो जहन में रख लें कि ये DY11 की बात हो रही है। नटशेल टेक अवे क्या है कि ये जो 330 डिग्री की हम बात कर रहे हैं उल्टा, ये वही है जो DY11 है। तो इंशाल्लाह आपको ये समझ में आएगी किसी हद तक।